नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AGTA ज्वाइनिंग के बारे में। तो आप सबको बता दें AGTA ज्वाइनिंग से रिलेटेड आप सब अभ्यर्थी लगातार मेरे से पूछते रहते हैं कि कोई अपडेट है तो अपडेट बताइए या फिर ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो कल शाम को भी मैंने मेरे दूसरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था AGTA ज्वाइनिंग से रिलेटेड और आप जो भी अपडेट है आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी किया था वहाँ भी मैं आप लोगों को बताई थी कि देखिए जो भी अभी काम चल रहा है निदेशालय में धीमे धीमे सारा कुछ चल रहा है, सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो आपको मैं यहाँ पे डिटेल में सारी जानकारी दूंगी और आपको क्या करना है आप अपनी ज्वाइनिंग के लिए, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबको पता होना चाहिए कि 19 जून को हमारा रिजल्ट आया, जो फाइनल लिस्ट है वो उसको आयोग ने जारी किया और 25-26 जून तक जो है ये निदेशालय चला गया था, है ना। 25-26 जून को जब निदेशालय गया हमारा लिस्ट, उसके बाद से आज के डेट को आप देखिए 8 तारीख हो गया, लगभग 10-12 दिन हो गए हैं लिस्ट निदेशालय गए हुए। और हम लोगों को पहले क्या कहा गया था निदेशालय से, हमेशा हम लोगों को ये कहा गया कि जैसे ही आपकी लिस्ट आएगी हम लोगों के पास, हम लोग 10 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। लेकिन आपको बता दें ज्वाइनिंग तो दूर की बात, एक नोटिस तक नहीं डाला गया है अभी तक। कृषि जो एग्रीकल्चर का जो उत्तर प्रदेश का जो साइट है जहाँ से हम लोगों को जानकारी मिलेगी उस पर एक नोटिस नहीं डाला गया ऑफिशियल। अगर वहाँ से हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं, बार बार मैं खुद निदेशालय के टच में हूँ, बात कर रही हूँ, जो हमारे कुछ मित्र हैं जो कि लगातार ही रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, जो कि रिजल्ट के लिए भी एक्टिव थे, वो लोग लगातार निदेशालय जा रहे हैं। हर एक कैंडिडेट मतलब जो भी एक्टिव है वो लोग लगा हुआ है, बात कर रहे हैं सब लोग। तो आप सबको बता दें सबको अलग अलग तरह की जानकारी दी जा रही है, कुछ भी क्लियर नहीं किया जा रहा है। और जहाँ तक अभी तक जो जानकारी मिली है, मैंने खुद बात की है, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है उस हिसाब से जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि फिलहाल के आगे भी इस जुलाई मंथ में भी चीज़ें क्लियरली आपको पता चले या नहीं चले, या हर दिन आपको बस यही कहा जाए कि 15 से 20 दिन का वेट कीजिए, क्योंकि कल की ही बात है और आज की भी ये अपडेट है कि यही कहा गया है कि 15 से 20 दिन बाद आपका काम हो जाएगा। अभी सारे काम चल रहे हैं, सारा प्रोसेस चल रहा है। कभी बोलते हैं कि हम पोर्टल बना रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन करेंगे, कभी बोलेंगे ऑफलाइन काउंसलिंग करेंगे, क्या करेंगे आप एक ऑफिशियल तो निकाल के हमें एक डेट दीजिए ताकि हम भी निश्चिंत हो जाए ना, हम लोग भी, क्योंकि हम लोग भी चयनित जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। तो यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप सबको बता दें जितने भी एक्टिव कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने प्लानिंग करी है कि 12 तारीख सोमवार, आप लोग इस डेट को एकदम याद रखिए, 12 तारीख को हर एक मतलब जो चयनित कृषि चयनित जो AGTA चयनित अभ्यर्थी हैं, जितने भी सेलेक्टेड AGTA, हर कोई एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है, कृषि निदेशालय जो हमारा लखनऊ में है, वहाँ सब लोग पहुँच रहे हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वहाँ पहुँचिए 12 तारीख को, आप लोग डेट याद रखेंगे और आप लोग इस मिल जाएगी 12 तारीख को। आप यहाँ पर देख रहे हैं 12 जुलाई सोमवार सुबह 9 बजे से एक विशाल धरने का आयोजन किया गया है। ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रहेगा जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनका। तो आप इस पोस्टर को ध्यान से देखिए और आगे मैं आपको पूरा एड्रेस भी बता रही हूँ, तो आप लोगों ने देख लिया इस पूरे पोस्टर को ध्यान से। तो 12 तारीख को जो है आपका एक धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें कि वहाँ लगभग आप लोग जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, जो 2000 चयनित अभ्यर्थी हैं, तो उम्मीद है कि 1500 तक आप लोग पहुँचेंगे। तो सब लोग वहाँ पहुँचिए, बहुत सारे जो हमारे साथ के हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने टिकट वगैरह भी करा लिया है, तो सब लोग आ रहे हैं। तो आप सब वहाँ पहुँचिए और वहाँ पर हम लोग अपनी मांग रखेंगे जो कृषि निदेशक हैं, जो डायरेक्टर सर हैं उनके पास, और वहाँ से जब तक हम लोगों को वो एकदम से आश्वस्त नहीं करते हैं, कुछ ऐसा जवाब नहीं देते हैं जिससे कि हम लोग एकदम संतुष्ट हो और हमें पता चले कि हाँ सही में जुलाई के लास्ट पे हमें ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, तब तक वहाँ से कोई नहीं हटेगा। तो इस तरह का एक धरने का आयोजन किया जा रहा है और आप यहाँ पे देखिए बगल में ये जो है ये एड्रेस है, आप लोगों को इस एड्रेस पे पहुंचना है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को आदत था कि UP SSC पिकअप भवन जाते थे कोई भी धरना प्रदर्शन वगैरह करने के लिए, लेकिन अब हमें आयोग से कोई मतलब नहीं है, अब हमको अपनी सारी मांग जो है इस निदेशालय में करनी है जो हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ पे।
तो ये आप देख रहे हैं सामने आपको एक पूरा जो एड्रेस है, मैं यहाँ पर आपको सामने आप देख लीजिए और इसको याद कीजिए, नहीं हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इस एड्रेस पे ही आपको पहुँचना है। जो कृषि निदेशालय है आपका, वो है आपका हजरतगंज सिकंदर बाग में, जो यहाँ पे आपको एड्रेस दिख रहा है। आप जब स्टेशन पे उतरेंगे, वहाँ से ऑटो या रिक्शे वाले को आप इस एड्रेस को बताएंगे तो आप इस एड्रेस से ही वहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि गूगल मैप यूज करते हैं, तो वो लोग, आप लोग कोई भी निदेशालय डालने की गलती नहीं कीजिएगा। वहाँ पे जब आप सर्च कीजिएगा तो कृषि भवन के नाम से सर्च कीजिएगा वो, क्योंकि निदेशालय तो ऑफिस का नाम है। जो डायरेक्टरेट है हमारा, जो जिसको हम लोग इंग्लिश में डायरेक्टरेट कहते हैं, निदेशालय जो हमारा एग्रीकल्चर का है, ये तो हो गया ऑफिस का नाम। और जो इस जिस बिल्डिंग में हमें जाना है उसका नाम है कृषि भवन, है ना। कृषि भवन जो कि सिकंदर बाग में है। आप लोग गूगल मैप पे कृषि भवन डालेंगे तो आपको वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं इजीली। बाकी ये एड्रेस आप लोग एकदम माइंड में रखिए। और आप लोगों को 12 जुलाई को सुबह 9 बजे पहुँचना है। किसी भी हाल में आप सब अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब वहाँ पहुँचिए। जहाँ से भी हो आप लोग, किसी भी स्टेट से हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से हैं, आप सबको वहाँ आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सबको बता दें, अगर आप लोग ये सोच के बैठिएगा कि सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगा क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो ये भी आप लोगों का एक भ्रम होगा। वो इसलिए क्योंकि आप सबको बता दें, इलेक्शन होना है तो 6 महीने बाद होना है। जब हमारा लिस्ट निदेशालय पहुंच गया है तो हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जाएगी? अगर हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी अगर इस मंथ में, तो आप खुद सोचिए कि अगर अक्टूबर जाता है ज्वाइनिंग, नवंबर जाता है ज्वाइनिंग, तो किसका नुकसान है? जो लोग बैठे हैं निदेशालय में उनको तो सैलरी मिल रही है, नुकसान तो हमारा है। हम लोगों का 2 महीने का, 3 महीने का सैलरी जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का 3 महीने का सैलरी गया, मतलब 1 लाख का नुकसान हो गया। तो आप लोग इन सब बातों को भी आप सोचिए, क्योंकि हम लोग सब सेलेक्टेड है, हमारा लिस्ट निदेशालय चला गया हुआ है, तो अब क्या परेशानी है, हमें नियुक्ति पत्र दे दो। तो आप लोगों को जो है वहाँ पर पहुँचना है किसी भी हाल में, अपने इसी डिमांड को रखने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अभ्यर्थी जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेंगे, और जो हमारा संख्या बल है वो कम से कम 1500 का तो ज़रूर होगा, क्योंकि आप सबके सामने एक एग्जाम्पल है शिक्षक भर्ती। आप सबने देखा किस तरह से इतने सारे शिक्षक एक साथ मिले, एक साथ उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो मुख्यमंत्री जी तक को हम उनकी बात सुननी पड़ी, तो हम लोग क्यों नहीं? तो हम लोग आप लोग जो है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब वहाँ पहुँचिए और इस धरने को सक्सेसफुल बनाइए। और अंतिम धरना ही होगा ये, क्योंकि एक बार जब आप वहाँ जाएंगे ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, उसके बाद ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर आश्वस्त कीजिए कि आप धरने में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और आप लोग अपने दूसरे भी फ्रेंड से यहाँ पर कमेंट में कमेंट करके इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और एक दूसरे से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बात कर लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेंगे और इस धरने को सक्सेसफुल बनाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।